गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपको बहुत ही खास चीज के लिए ले जा रहा हूँ। सो गाइस आज है छुट्टी का दिन और मैं आपको लेके चलता हूँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। जी हाँ, मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है और मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी दिखाऊं कि यहाँ पे इंडियंस परचेज कैसे करते हैं ग्रोसरीज और जो भी मंथली एसेंशियल नीड्स हैं, मंथली एसेंशियल आइटम्स जो हमें चाहिए होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं एंड हमारे यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, इंडिया से कितना डिफरेंट होता है, ये सारी एक्सपीरियंसेस मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करूँगा। सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो मैं हो जाता हूँ जल्दी से रेडी और चलते हैं साथ में। सो हे गाइस आई एम बैक और मैं रेडी होके निकल चुका हूँ अभी शॉपिंग के लिए और आप लोग बस साथ रहिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा आसपास का भी एरिया दिखाता हूँ। सो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, इसको कहते हैं जीसस चर्च एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च विच इज़ देयर इन जर्मनी। ये वर्ल्ड वॉर टू से भी पहले का बना हुआ चर्च है। गाइज इस समय मेरे सामने है जीसस चर्च विच आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट एंड इस चर्च के पीछे कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी बट समहाउ इट गॉट सेव एंड फिर उसके बाद इसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया एक अच्छे और बेहतर तरीके से एंड राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है व्हेन दे कम टू मैनहेम। तो आप मौसम देख रहे हो कितना प्यारा हो रहा है, फुल ब्लू स्काई एंड ग्रीन ग्रास। सो ये थी फ्रेडरिक शिलर की स्टैचू जो कि यहाँ के बहुत जाने माने राइटर पोएट थे और इनका वर्क जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता है। ओके सो एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने अभी तक आपसे कोविड की गाइडलाइंस जर्मनी में अभी क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया ही नहीं। सो यहाँ पे मास्क लगाना इज़ नेसेसरी व्हेन यू गो टू अ पब्लिक प्लेस, आई मीन व्हेन यू गो इनटू अ शॉप या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बट इफ़ यू आर ऑन अ रोड तब आपको यहाँ पे मास्क लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। सो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके मत बोलिएगा कि मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया है। डेफिनेटली जैसे ही मैं एक शॉप में जाऊँगा I'll just put this up. एक और बात, लाइक मैंने आप लोगों से पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं व्लॉगिंग कर कैसे रहा हूँ। तो राइट नाउ मेरे पास सिर्फ मेरा मोबाइल फ़ोन है एंड आई हैव अ ट्राईपॉड जिस पे मैंने ये सेटअप किया हुआ है। मेरे पास अभी माइक भी नहीं है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बोला एनीथिंग विच आई परचेज एंड एवरीथिंग आई अपग्रेड वो सारा आप लोगों के साथ ही होगा। मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ चीज़ों को एंड हाउ एम आई एक्चुअली डूइंग द व्लॉगिंग। तो मैंने एक माइक ऑर्डर किया है, जैसे ही वो आ जाता है मैं आप लोगों को उसकी अनबॉक्सिंग दिखा दूँगा, मैं आप लोगों को उसकी डिटेल्स शेयर कर दूँगा। चल रहा है एक वेडिंग शूट, ज्यादा शूट यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। अभी जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे वो है ओल्ड टाउन हॉल चर्च यहाँ का एंड इसको और इससे पहले जो मैंने आपको चर्च दिखाया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा।
सो व्हेन इन जर्मनी हाउ डू वी जनरली कम्यूट, हम यहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे करते हैं? सो यहाँ का जो मेन मीडियम है टू ट्रैवल इज ट्राम, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज करते हैं. अभी आपको उसका एक ग्लिम्स दिखाता हूँ. सो गाइस, ये है ट्राम. और ये जनरली जैसे हमारे यहाँ बसेस होती हैं इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे ट्राम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. यहाँ पे ट्राम्स चलती हैं. गाइज, मुझे जाना था अभी ATM, इसलिए मैंने मास्क लगा लिया था. और क्योंकि हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो भी स्टोर्स हैं, इंडियन स्टोर्स हैं, वो कैश ही एक्सेप्ट करती हैं. दे डोंट एक्सेप्ट एनी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. आपको पता है, मैन नेम फुल ऑफ चर्चेस है. यहाँ एक और चर्च है. यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा. एंड जो भी आपको बेसिक नीड्स है खाने पीने के लिए, या फिर इवन कॉस्मेटिक्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. मेरे को यहाँ पे कुछ सामान लेना है, तो मैं वो लेता हूँ और आप तब तक इस प्लेस को देखिए. सब तरह के पिकल्स भी मिल जाएंगे और मसाले मिल जाएंगे, मैगी मिल जाएगी, अपना इंडिया का फेवरेट पार्ले जी मिल जाएगा. हमारे पास इंडियन जो मसाला जात हैं वो सारे मिलते हैं, तकरीबन कम्प्लीट ही मिलते हैं. और पाकिस्तान के यानी के मसाले, इंडियन और बाकी मुख्तलिफ एशियन जो कंट्री के मसाला जात हैं, वो भी यहाँ पे सारे दस्तयाब होते हैं. और इसके अलावा वेजिटेबल आती है, मैंगोस आते हैं हमारे पास, और फ्रेश समोसा आता है हर एवरी डे आता है, जो कि वेज होता है. और बाकी इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें आती हैं इंडिया से, बहुत सी मिलती हैं हमारे पास. और बाकी जो है हल्दीराम के स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, बिस्कुट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा.
एंड ऑल्सो गाइस जब यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसके भी अंकल सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं या फिर जो भी हमारे को रिक्वायर्ड होता है. लाइक अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हमें राखी भी मिल जाती है एंड यहाँ पे कुछ पूजा का सामान भी होता है. गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है और अभी हम जा रहे हैं घर. और हाँ, एक बहुत ही स्पेशल चीज़, ये देखिए मैंने लिया है समोसा, बहुत भूख लगी है. बहुत अच्छा है. सो फाइनली मैं अपने घर के साइड आ चुका हूँ, मैं घर पहुँच गया हूँ. और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि हम लोग अपने ग्रॉसरी शॉपिंग कैसे करते हैं और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल होता है, सो दैट अगर कभी आप आते हैं या आपको रिक्वायर्ड हो जानना तो आप लोग इसको देख के समझ सकें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.